नगर में बुलडोजर एक्शन पर एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, अवैध मकानों को तोड़ने की कार्रवाई जारी। चार दिन में 450 से ज्यादा अवैध मकानों को तोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर 1100 अवैध मकान ऐसे जो तोड़े जाने हैं। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी दो टीमें दो अलग अलग शिफ्ट में काम कर रही हैं और अवैध निर्माणों को हटाने का काम जारी। दरअसल कुकरेल नदी के किनारे कई सारे अवैध मकान बन गए थे, जो लगातार चिंता का सबब थे और अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। कुकरेल नदी किनारे ही अकबर नगर बसा हुआ है और यहां पर कार्रवाई जब प्रशासन की टीम कर रही है तो इन कार्रवाइयों को भी कोई हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहा है। अब आपके सामने ये पांच बड़ी तस्वीरें हैं। अवैध अतिक्रमण पर एक्शन, जेसीबी से मकान हटाए जा रहे हैं, इलाके में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है, लोगों को शिफ्ट भी करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बेसहारा छोड़ दिया गया हो, इन्हें शिफ्ट भी करवाया जा रहा है, लेकिन इस कार्रवाई को लोग हिंदू मुस्लिम के चश्मे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या खुद देख रहे हैं। इस कार्रवाई के पीछे की वजह को वो समझने या समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अकबर नगर में मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, क्यों हो रही है ये कार्रवाई, ये भी जरा जानिए। इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। दरअसल कुकरेल नदी किनारे बसा है पूरा अकबर नगर का इलाका। कुकरेल नदी किनारे इक्का दुक्का नहीं, 1100 मकान अवैध तरीके से बना दिए गए। रिवर फ्रंट विकसित किया जाना है कुकरेल नदी पर। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी मैप में अकबर नगर डूब क्षेत्र है, यानी कि बाढ़ आएगी तो सब इलाका डूब जाएगा। अवैध निर्माण तोड़ने का पहले से ही नोटिस जारी किया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि अचानक बुलडोजर गया और तोड़ना शुरू कर दिया, पहले नोटिस गया था। सुप्रीम कोर्ट का अवैध निर्माण हटाने का आदेश, यानी कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और इसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इस कार्रवाई को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जा रहा है। लेकिन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, तो शायद उन्हें यह बात नहीं पता कि अकबर नगर में जिनके अवैध घर तोड़े गए उन्हें बसाने का काम योगी सरकार ही कर रही है। उन्हें कहां और कैसे शिफ्ट किया जा रहा है, अब आपको यह भी बताने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए जानिए। दरअसल लखनऊ के बसंत कुंज इलाके में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बेसहारा छोड़ दिया कि आप सालों से रह रहे हैं, हमने आपका घर तोड़ दिया, आप अपना देखते रहिए। सरकार उन्हें शिफ्ट कर रही है भाई। पीएम आवास योजना के तहत उन्हें बकायदा घर दिए जा रहे हैं। 1800 परिवार को प्रधानमंत्री आवास आवंटित कर दिया गया। 1100 मकान टूट रहा है, 1800 को प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया जा रहा है। 800 से ज्यादा को घर कब्जा कर दे दिया जा रहा है। बेहद गरीब को मुफ्त में आवास दिया जा रहा है। जो गरीब नहीं है उन्हें सब्सिडी पर घर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर 479,000 रुपए का घर उन्हें मिल रहा है। महीने की किस्त इसकी 5,000 रुपए की होगी। फर्जी आधार कार्ड आवेदकों को घर नहीं दिया जाएगा, यानी कि जिनके पास आधार कार्ड फर्जी है उन्हें नहीं दिया जाएगा। अपात्र लोगों को भी घर नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ नियमावली जरूर तय की गई है और उसके बाद बहुत नॉमिनल पैसे के साथ लोगों को घर दिया जा रहा है। जो लोग बेहद गरीब हैं, जिनके पास खाने पीने की दिक्कत तक है, उन्हें मुफ्त में घर दिया जा रहा है। तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की कार्रवाई, इस कार्रवाई को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से सिर्फ दिखाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, असदुद्दीन अवैसी ने ये कार्रवाई में भी मुस्लिम वाला एंगल निकालने से वो बाज नहीं आए। उन्होंने बता दिया कि मुस्लिमों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। जरा बस्ती की अगर तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि क्या सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं या हिंदू परिवार भी हैं जिन्हें विस्थापित होना पड़ा है। देखिए, बिल्कुल, मैं एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कोई धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ है। अभी देखिए आप, 7 बुलडोजर यहाँ पे जो है वो चल रहे हैं और इस इलाके में सिर्फ मुस्लिम्स रहते हो ऐसा नहीं है। तमाम मकान ऐसे भी हैं जो हिंदू परिवारों के थे, वो भी यहाँ पे इलीगल तरीके से बसे हुए थे और उनको भी उनके मकानों को भी गिराया जा रहा है। ध्वस्तीकरण कार्रवाई में सारे मकान है, जो भी करीब 500 से 600 मकान यहाँ पे हैं उन्हें गिराया जाना है। फेज 1 का कार्यक्रम, जो पूरा ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम है, वो पूरा हो चुका है। सेकेंड फेज का जो ध्वस्तीकरण है उसकी कार्रवाई चल रही है। एक बार अपने कलापर्सन से कहूंगा कि वो थोड़ा सा आपको तस्वीरें दिखा पाए। यहाँ पे मंदिर भी है और मस्जिद भी है। अगर जो बातें करते हैं तो अगर मंदिरों को यहाँ पे छोड़ा गया है तो मस्जिदों भी छोड़ा गया है। अगर आपको दिखाए, एक छोटा सा मंदिर जो है बिल्कुल रोड पर ही है, साइड में वहां पे देखिए, उसको अभी तक नहीं गिराया गया है। और ये अगर आप सिर्फ मंदिर की बात करें तो यहाँ 3
तीन मस्जिदें भी हैं छोटे से इलाके में और उनको भी नहीं गिराया गया है। बाकी सारे मकान जरूर गिरा दिए गए लेकिन ये मस्जिद और मंदिर जो है वो अभी बचे हुए, तो उनको उन पर बुलडोजर अभी नहीं चला है। प्रक्रिया सरकार चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ खत्म हो और इसके लिए आगे की तैयारियां चल रही है। बड़ी संख्या में फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट किया गया और बड़ी बात यह है कि पिछले चार दिनों में कहीं कोई अशांति यहां पे नहीं हुई है, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कार्रवाई जो है वो हुई है और अभी आगे भी जारी रहेगी। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जिन लोगों को मकान नहीं, जो लोग यहां पे रहते थे और डॉक्यूमेंट उनके लीगल है, यानी उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास राशन कार्ड है, लीगल डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो सारी रिक्वायरमेंट है उनके पास तो फिर वो उन्हें आवास भी देगी। एक बार आपको दूसरे फर्स्ट फेज की तरफ लेके चलते हैं जहां पर दस्ती की कार्रवाई जो है पूरी हो चुकी है और जो मस्जिदें हैं तीन वो अभी भी सुरक्षित है। एक बार आपको तस्वीरें दिखाएंगे, रोड के दूसरी तरफ फेज वन का कार्यक्रम दस्ती का कार्रवाई थी वो थी और वो पूरी हो गई है, शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई है और पूरा जो मकान थे वो समतल कर दिया गया। लेकिन ये तीन मस्जिदें आपको तस्वीरों में से दिखाई दी गई होगी, ये वैसे ही सुरक्षित है, अभी इनको नहीं तोड़ा गया, इन पर बुलडोजर नहीं चला है। तो ये जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि ये हिंदुओं का इलाका था, मुसलमानों का इलाका था, इसलिए बुलडोजर चला, उनके मस्जिदों को तोड़ा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक छोटा सा मंदिर भी यहाँ पे है, ये भी इसको भी नहीं तोड़ा गया। तो सिर्फ मकान तोड़े गए हैं, कोई मंदिर या मस्जिद नहीं तोड़ा गया है और उस मकानों में कोई बंटवारा नहीं किया गया है कि ये हिंदुओं का मकान है तो इसको छोड़ देंगे और ये जो मुस्लिमों का मकान है तो उसको तोड़ेंगे। जो ध्वस्तीकरण कार्रवाई है वो सब पर चल रही है, जितने भी मकान है वो सब गिराए जा रहे हैं। एक बार फिर तस्वीर दिखाते हैं, देखिए कैसे जो बुलडोजर्स है वो लगातार काम एक्शन पे है और कहीं कोई मकान छूटा नहीं है, यानी जो जहां से शुरू हुआ रोड से आगे करते जा रहे, हर मकान को गिराया जा रहा है। तो जो इलीगल है उस पर कार्रवाई हो रही है, उसे धर्म के लिहाज से बांटने की कोशिश नहीं कर रही है। और तमाम जो इस तरह के नेता है उवैसी जैसे, ये जरूर इसमें सियासत ढूंढने की कोशिश करेंगे क्योंकि दावा ये किया गया है कि जो मकान गिराए गए हैं इनमें से मैक्सिमम जो रोहिंग्या थे, जो घुसपैठिए थे बांग्लादेशी, वो थे और इसीलिए इलीगल तरीके से रह रहे थे, घुसपैठिए थे, इसलिए कार्रवाई जरूरी थी। चूंकि सरकार को यहाँ पे इको टूरिज्म हब बनाना है, यहाँ पर चिड़ियाघर को शिफ्ट करना है, पूरे इलाके को डेवलपमेंट का प्लान सरकार ने तैयार किया है और इसकी लड़ाई लड़ी है सरकार ने, ऐसे ही बुलडोजर नहीं यहाँ पे आया है। हाई कोर्ट में मामला था, सुप्रीम कोर्ट तक सरकार गई, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई सही है उसके बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। आपकी ये रिपोर्ट बहुत अच्छी है विनोद, मैं बताऊं आपको, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी तो चुनाव के पहले से ही मुस्लिमों को डरा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन आपकी इस रिपोर्ट ने ये बता दिया कि अगर तीन मस्जिद है तो कई सारे मंदिर भी हैं और ये देश है जहां पर हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं और यहां पर भी वो सब साथ मिलकर रहते हैं, तो कार्रवाई हो रही है तो सिर्फ मुस्लिमों पर नहीं हो रही है, आपकी इस रिपोर्ट से ये साफ हो जाता है। विनोद आप बने रहिए हमारे साथ। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ स्वदेश।